हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि 2024 आना ही वाला है और 2023 जाने वाला है, तो गाइस आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि 2024 में आपके लिए कौन से बेस्ट फोन होने वाले। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 ऐसे मोबाइल जो सिर्फ आपको अंडर 15,000 में मिल जाएंगे और इसको लेने के बाद आपका बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। इसलिए आप पूरी वीडियो को जरूर देखें, तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे और अपने पैसों को बर्बाद होने से भी बचा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो टॉप 5 पर हमारा मोबाइल है वो है मोटरोला G54 5G फोन। तो गाइस, ये मोबाइल आपको 3 कलर्स में देखने को मिल जाएगा और ये आपकी वेरिएंट के साथ आता है। एक आता है 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ, और दूसरा आता है 12GB रैम और 256GB मेमोरी के साथ। और बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें प्रोसेसर देखने को मिलता है आपको Dimensity 7020 ऑक्टाकोर 2.2 GHz का। और गाइज, इसके रियर कैमरे में आपको 2 कैमरे देखने को मिलते हैं। एक होता है 50 MP का और प्लस 8 MP का, और 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को आपको मिलता है। और बात करें इसके डिस्प्ले की, तो आपको इसमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। और बैटरी भी काफी बड़ी दी गई है इसमें, 6000 mAh की। तो गाइस, बैटरी इतनी बड़ी दी गई है तो आपको बार बार चार्ज करने का झंझट नहीं रहने वाला है। और बात करें इसके नेटवर्क टाइप की, तो वो मिलता है आपको 2G 3G 4G एंड 5G देखने को मिलता है। और इसमें आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज देखने को मिलती है, जिसमें से आप अपनी मेमोरी कार्ड को डाल के इसमें मेमोरी और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और बात करें इसके 5G परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको 14 5G बैंड देखने को मिलते हैं, जो कि हमें Infinix Note 30 5G में भी देखने को मिलते हैं। और बात करें इसकी IP रेटिंग की, तो इसमें आपको 52 IP रेटिंग देखने को मिलती है, जो थोड़ा बहुत पानी लगने से आपके मोबाइल को बचा लेगी। अगर आप इसे गेमिंग के लिए लेने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत बढ़िया मोबाइल। और बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस बहुत कम दिया गया है, सिर्फ 14,000 रुपए में आपको ये मोबाइल मिल जाएगा। किस किसने इस मोबाइल को खरीदा है और कौन कौन खरीदने वाला है, मुझे कमेंट बॉक्स में। तो गाइस, अब बात करने वाले हैं टॉप 4 मोबाइल की, और ये है आपका वीवो का T2X 5G फोन, जो कि आपको 3 कलर में देखने को मिलता है। इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 4GB रैम, 6GB रैम और 8GB रैम। लेकिन जो इसकी रोम है वो तीनों में आपको सेम देखने को मिलती है, यानी कि 128GB मिलता है आपको। और बात करें इसके प्राइस की, तो तीनों के प्राइस आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। जो आपका 8GB रैम और 128GB मेमोरी है, उसके लिए आपको 14,999 रुपए पे करने पड़ेंगे, यानी कि 15,000 रुपए। और जो आपका 4GB रैम का है, उसमें के लिए आपको 12,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। ऐसे ही करके आपको 1-2 हजार का अंतर देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें प्रोसेसर आपको Dimensity 6020 का देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके रियर कैमरे की, तो रियर कैमरे में आपको 2 कैमरे देखने को मिलते हैं, एक 50 MP का प्लस 2 MP का, और जो सेल्फी कैमरा होता है वो आपको 8 MP का देखने को मिलेगा। और रियर कैमरे में स्पेशल आपको सुपर नाइट मोड देखने को मिलता है। और अगर बात करें इसके बैटरी की, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और इसमें 18W का आपको फास्ट चार्ज देखने को मिलेगा। और बात करें इसके नेटवर्क टाइप की, तो इसमें आपको 3G 4G एंड 5G देखने को मिलेगा। और अगर आप इसकी मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, 1TB तक का ही सपोर्ट करेगा। अगर आप सोच रहे हैं इस मोबाइल को गेमिंग के लिए लेने की, तो इसका परफॉर्मेंस गेमिंग में भी काफी बेटर है, और 2023 में इस फोन की सेल भी काफी ज्यादा रही है, तो ये फोन भी आपका 2024 के लिए बेस्ट है। तो गाइज, अब बात करेंगे हम टॉप 3 मोबाइल की, और अब हम बात करने वाले हैं पोको M6 प्रो 5G फोन की। ये मोबाइल आपको 2 कलर के साथ मिल जाता है। और बात करें इसके रैम की, तो रैम में इसके 8GB रैम और 256GB मेमोरी के साथ में ये आपको मोबाइल मिल जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही इसके 2 वेरियंट और आते हैं, 4GB रैम और 6GB रैम, जो की 128GB के साथ में आते हैं। इसके भी इन सबके लिए थोड़े डिफरेंट प्राइस आते हैं, लेकिन प्राइस इसके बहुत ज्यादा लो है गाइज। सिर्फ 8GB रैम और 256GB मेमोरी के साथ में आप 13,499 रुपए में मिल जाता है, जो कि अभी तक का सबसे सस्ता मोबाइल है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, किसमें क्या क्या क्वालिटी हमें देखने को मिलेगी। अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें प्रोसेसर आपको Snapdragon 4 जनरेशन 2 का देखने को मिलेगा। और इसके रियर कैमरे पे 2 कैमरे दिए गए हैं, एक 50 MP का और प्लस 2 MP का। और जो इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा है, वो दिया गया है 8 MP का। इसकी डिस्प्ले भी काफी बड़ी दी गई है, 6.79 इंच की फुल HD डिस्प्ले इसमें दी गई है, और 5000 mAh की इसमें बैटरी आपको देखने को मिलेगी। और बात करें इसके नेटवर्क टाइप की, तो ये 2G 3G 4G और 5G को सपोर्ट करता है, और इसमें आप अलग से भी मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें आपको 22.5 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा लो है, तो आप इस मोबाइल की ओर को जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे टॉप 2 मोबाइल के बारे में। टॉप 2 में हमारे पास मोबाइल है रियलमी का 11X 5G फोन, जो कि आपके 2 कलर में आता है, मिडनाइट ब्लैक और पर्पल में। और ये आपके 2 वेरिएंट में आता है, 6GB रैम और 8GB रैम, और मेमोरी आती है इसमें 128GB दोनों के लिए। और बात करें इसके प्राइस की, तो ये मिलता है आपको 15,999 रुपए, यानी कि आपको 16,000 रुपए मिलता है, 8GB रैम और 128GB मेमोरी। अब जानेंगे क्यों है ये इतना खास, क्यों हमें इसे लेना चाहिए। तो बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें प्रोसेसर मिलता है आपको Dimensity 6100। और बात करें इसके रियर कैमरे की, आपको यहाँ पर 2 कैमरे देखने को मिलते हैं, 64 MP प्लस 2 MP का।
और फ्रंट में आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, और इसकी डिस्प्ले भी काफी बड़ी दी गई है, 6.72 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले इसमें दी गई है। तो इस मोबाइल में भी आपको बैटरी देखने को मिलेगी 5000 mAh की, और इसके साथ में मिलेगा आपको 33 वाट का चार्जर। इसमें मिलती है आपको डायनामिक अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले जो की मिलती है आपको 120 रिफ्रेश रेट के साथ। अगर आप इस मोबाइल को लेने वाले हैं या आप ले चुके हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब हम बात करेंगे टॉप 1 मोबाइल की, जो कि अब हमारा ये लास्ट मोबाइल है। हमने टॉप 5 मोबाइल बताने थे, तो 4 हम बता चुके हैं और अब ये है पांचवा लास्ट मोबाइल, और ये है इन्फिनिक्स Note 30 5G। अगर आप मेरे चैनल से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कई सारी वीडियोस मैंने इस पे बनाई हैं, और ये मोबाइल में अब क्या फीचर्स ऐसे हैं जो आपको इसको लेना चाहिए, 2024 के लिए भी बेस्ट होने वाला है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज ये मोबाइल आता है आपका 8GB रैम 256GB मेमोरी के साथ सिर्फ 14,500 में आपको मिल जाता है, ठीक है। और इसमें जो पीछे के आपको कैमरे दिए गए, इसमें 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलता है, और इसमें 2-2 मेगापिक्सल के और कैमरे देखने को मिलते हैं प्लस AI लेंस के साथ। और फ्लैश है इसमें, ड्यूल फ्लैश है, पीछे भी फ्लैश है और आगे भी फ्लैश है, ठीक मिलता है आपको 45 वाट का चार्जिंग, जो कि बहुत जल्दी फास्ट चार्जिंग कर देता है, यानी कि 40-50 मिनट में आपका फुल मोबाइल चार्ज हो जाता है, और ये आता है 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है। और इसमें काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं, इसमें बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन है, इसमें स्मार्ट पैनल का फीचर्स भी है, जैसे आप इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट कुछ चला सकते हैं, और इसमें बहुत सारे आपको फीचर देखने को मिलते हैं। अगर आप इस मोबाइल के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियोस को देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बहुत कुछ बताया है इस मोबाइल के बारे में, इसमें क्या क्वालिटी है जो आपको इसको लेना चाहिए, गाइस बताने को बहुत कुछ है इसके लिए, पर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं ज्यादा कुछ आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूं। अगर आपको इसके बारे में देखना है, सब कुछ देखना है, तो हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और आप मुझे बताना कि आपके पास कौन सा मोबाइल है और कौन सा मोबाइल लेने की सोच रहे हैं 2024 के लिए, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो आप मुझको वो भी बताएं, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।